हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। वैसे तो आपने ये 10+2 में किया था, लेकिन फिर भी ये हमारे सिलेबस में है और क्लास में भी आपको शुरू करवाया था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी गड़बड़ हो गई, सारी कंट्री जो है वो लॉकडाउन हो गई। लेकिन इसके जो ब्रीफ्स हैं वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर वीडियो को वॉच करना और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे उन सब में इसको शेयर करना। और अगर किसी की कोई भी क्वेरी है इसके संबंध में तो वो आप जो है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरी लिख देंगे और मैं आपको बता दूंगा। जहाँ तक बात है हमारी रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट क्यों होती है ये आपको सबको पता है कि जैसे भी कोई पार्टनर या तो ज़्यादा ओल्ड एज हो जाता है या फिर उसकी दूसरे साझेदारों के साथ नहीं बनती किसी भी विषय में, या वो कोई अपना और कोई काम शुरू कर देता है तो वो फर्म से रिटायरमेंट जो है ले लेता है। और ऐसे में जब कोई भी रिटायरमेंट होता है तो उसका फर्स्ट जो पार्ट है कैपिटल देनी पड़ती है हमें, उसकी जो भी कैपिटल है। दूसरा उसका जो है गुडविल का शेयर देना पड़ता है, और थर्ड जो है उसका रिजर्व्स में जो हिस्सा है वो देना पड़ता है, और फोर्थ जो है उसका जितना भी शेयर उसका बनता है इन रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये उसको हमें देना पड़ता है रिटायरमेंट पे। उसके बाद जो हमारी यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती हैं रिटायरमेंट में, बहुत सारी बातें हैं जो रिटायरमेंट के अंदर, जैसे हमने एडमिशन के अंदर किया था, सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी कोई रिटायरमेंट होगा, तो पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो पहले भी आपने पढ़ी एडमिशन के टाइम भी, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिटायरमेंट के टाइम में। तीसरा है रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसके लिए आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटीज, और जो फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसके बाद आता है हमारा पांचवा पॉइंट, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है वो है, जैसे पार्टनरशिप में भी किया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां भी एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो ये हमारी प्रॉब्लम्स आएंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि कोई भी साझेदार पार्ट फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसको इसका हिस्सा हमें गुडविल का देना होगा. तीसरा जो प्रॉब्लम हमारी, थर्ड प्रॉब्लम है रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. इसके बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी असेट्स हैं उनको रिवेल्यूड किया जाएगा, लाइबिलिटीज की रीअसेसमेंट की जाएगी, और इस का जो भी रिजल्ट होगा प्रॉफिट और लॉस वो सभी पार्टनर्स में बांट देंगे. इसमें यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर मिलेगा. उसके बाद हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. कई बार क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया होता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में होता है और लॉस डेबिट साइड में होता है, तो इसको भी हम बांट देंगे सभी पार्टनर्स के अंदर. फिर जो मेन हमारा पेमेंट जो करनी होती है रिटायरिंग पार्टनर को, वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कैश अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल हैं फर्म में या नहीं. अगर फंड्स अवेलेबल हैं तो हम फर्म के वर्किंग कैपिटल में से उसकी पेमेंट कर देंगे. अदरवाइज हम जो है फंड्स यानी कि कैपिटल जो है वो रिमेनिंग पार्टनर से मंगवा लेते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं. या कई बार क्वेश्चन में आपको ये भी दिया होता है कि भाई जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उसको हमने पेमेंट, कुछ तो पेमेंट कर दिया और कुछ उसका अमाउंट जो है वो लोन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ऐसे में जो रिमेनिंग कैपिटल उसकी जो बचेगी रिटायरिंग पार्टनर की उसको हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे. आफ्टर दैट प्रॉब्लम नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैपिटल है इसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं, और अगर किसी पार्टनर की कैपिटल एक्सेस होती है तो उसकी हम पेमेंट कर देते हैं, और किसी पार्टनर की अगर कैपिटल कम रहती है, डेफिशिट रहती है, तो उससे उतना अमाउंट हम मंगवा लेते हैं. इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रोपोर्शन, और यू कैन से इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो कई बार जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि भाई सपोज, ये एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, सपोज तीन पार्टनर हैं एक्स वाई और जेड, इनका हिस्सा दिया आपको 5:4:3, 5/12, 4/12 और 3/12, और आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द न्यू रेशियो, और साथ में कंडीशंस दिखाई गई हैं. वन, क्या कंडीशन है, नंबर वन, एक्स रिटायर्स सपोज, सेकंड है वाई रिटायर्स, और थर्ड है जेड रिटायर्स. सपोज को ये दिया हुआ है आपको. तो ऐसे में जब आपको न्यू रेशियो निकालना है, केस फर्स्ट व्हेन एक्स रिटायर्स, तो एक्स रिटायर होता है तो आप एक्स पे उंगली रख लें, तो वाई और जेड बचे हैं. वाई का शेयर है 4, ऊपर का न्यूमरेटर देखना है आपने, डिनोमिनेटर नहीं देखना. इसी तरह जेड का है 3. तो अब इनके नंबरेटर आपने ऊपर लिख लिए, और अब इन नंबरेटर्स का टोटल करके दोनों के नीचे लिख देंगे, तो ये नया रेशियो निकल कर आ गया. इसको हम बोलेंगे न्यू रेशियो ऑफ वाई और जेड. अब सेकंड इसमें दिया गया है व्हेन वाई रिटायर्स, तो जब हम वाई के रिटायरमेंट की बात करते हैं तो केस नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे कि y के ऊपर उंगली रख लेंगे और x और z का नंबरेटर 5 है और z का 3 है, तो ये दोनों का हम नंबरेटर जो है ऊपर लिख लेंगे x और z. x का नंबरेटर है 5 और z का है 3, तो ये आपका न्यू रेशियो निकल कर आ गया, दोनों का जोड़ नीचे कर देंगे. इसी प्रकार से आपका है केस 3,
वैसे तो आपको निकालना आता है, प्लस टू में भी सीखा होगा आपने, लेकिन कई बार बच्चे कुछ आर्ट्स के भी होते हैं जो आफ्टर 10+2 कॉमर्स बीकॉम लेते हैं, बीकॉम में एडमिशन लेते हैं, तो इसलिए उनके लिए समझना ये ज़रूरी है। बाकी तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। केस थ्री, वैन जेड रिटायर्स, तो केस थ्री था हमारा वैन जेड रिटायर्स, तो जेड पे आप उंगली रख लेंगे, जेड को आपने हिडन कर दिया, जेड का शेयर। अब बचे आपके एक्स और वाई, एक्स का न्यूमरेटर है शेयर का 5 और वाई का है 4, इन दोनों का टोटल कर दें, 5 और +4 9 हो गया, तो ये नया रेशो निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से हम नया रेशो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको कोई और तरीका भी पता हो तो आप उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें कि बुक में आपके दिए हुए हैं, तो आप उनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप एक चीज नोट करेंगे, जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है, ठीक है, 5:4:3, और रिमेनिंग पार्टनर्स के शेयर के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला है कि एक्स रिटायर हो गया या वाई रिटायर होता है या जेड रिटायर होता है, तो जो भी रिटायर होता है उसको हिडन करने है। जैसे अभी मैंने बताया कि भाई एक्स रिटायर होता है, तो एक्स को मैंने हिडन कर लिया, एक्स को हिडन कर लिया, तो वाई और जेड बचे, वाई और जेड का मैंने शेयर लिख लिया, वाई और जेड, वाई का न्यूमरेटर है 4, जेड का न्यूमरेटर है 3, इनको दोनों को लिख लिया, और इन दोनों का टोटल जो है वाई के और जेड के शेयर के नीचे हम लिख देंगे, तो ये नया रेशो निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार आप जब वाई रिटायर होता है निकाल सकते हैं, जेड रिटायर होता है तो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद दूसरा केस, टेक्निकल जो है सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी, मोबाइल के माध्यम से ही बना रहा हूँ मैं। जैसे अभी मेरे पास रिसोर्सेज थे एट होम, तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो आपको वीडियो देखने के बाद अगर कोई सजेशन है तो आप दे देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो शेयर परचेज करते हैं रिटायरिंग पार्टनर से एक स्पेसिफाइड रेशियो में, और जब वो शेयर परचेज करते हैं तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जितना जितना परचेज किया है, किसने परचेज किया है, रिमेनिंग पार्टनर्स ने, तो वो शेयर उनके हिस्से में जोड़ दिया जाएगा, और ऐसा जोड़ने के बाद नया रेशियो निकाला जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, सपोज एग्जांपल में ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, और यहाँ पर सी जो है वो रिटायरिंग पार्टनर है, सी इज रिटायरिंग पार्टनर हियर, और ए बी सी का जो रेशियो दिया है 5:4:3 दिया है, 5.12, 4/12 एंड 3/12, तो ये आपको क्लियर हो गया। सी रिटायर, यहां पर कौन रिटायर होता है, सी रिटायर शेयर एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपको यहां पे न्यू रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, न्यू रेशियो, ये क्वेश्चन है आपका। ए बी सी तीन पार्टनर है,
रेशियो 5:4:3 दिया है, ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे सी रिटायर होता है और उसका जो हिस्सा है वो ए और बी द्वारा 3:2 के रेशियो में ले लिया जाता है, तो कैलकुलेट द न्यू रेशियो। इस शेयर वॉज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 3:2, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। तो पहले आप ये देखिए क्या कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर बच गए ए और बी। ए और बी का जो अपना शेयर है आप वो लिख दें यहाँ पर 5 और बी का है 4। इस केस में आपने देखा होगा ए और बी का जो शेयर है वो हमने लिख दिया, जो भी दिया था 5 और 4, ए का 5 है और बी का है 4, ठीक है। अब इसके अंदर जो सी का शेयर है वो 3/5 तो लिया है ए ने और 2/5 लिया है बी ने, तो यहां पे देखिए क्या गेन किया है इन्हें, एज गेन हमारा जो है, जो सी का शेयर है 3/12, उसका 3/5 जो है वो ए ने ले लिया उससे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें आप, 3 × 3 = 9, 12/5 = 60, तो ये ए का गेन हुआ, इसको आप नोट करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी तरह आप निकालेंगे बी का गेन, बीज गेन, बी का जो शेयर है उसके अंदर कितना गेन होगा, यानी कि सी के शेयर का उसने 3/12 का 2/5 ले लिया है, ये परचेज किया है उससे, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप 3 × 2 = 6 हो गया, 6/60 ये गेन हो गया। इसको आप गेनिंग रेशियो भी बोल सकते हैं, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 9/60/6/60, और यू कैन से 9:6, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब हमें न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है, तो न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमने जो भी ए और बी का जो ओल्ड रेशियो था वो हमने देखा कितना था, ए का 5/12 और बी का कितना था 4/12, उसके अंदर ये गेनिंग रेशियो ऐड कर दें। ए के अंदर ऐड करेंगे 9/60 और बी के अंदर ऐड करेंगे 6/60, ये आपको कोई दिक्कत है तो यहां तक बताइए, ठीक है। अब इसके बाद आप कैलकुलेट कर लें, एलसीएम ले लें इसका, इसका एलसीएम आ गया 60, 12/5 = 60, 5/5 = 25 +9:2, इसका भी 60 एलसीएम आ गया, 12/5 = 60, 5/4 = 20 + 6, तो ये आंसर आ गया आपका यहाँ पर न्यू रेशियो, इसको बोल सकते हैं हम, ये आ गया 34/60 = 26/60, कोई दिक्कत यहाँ तक बोलिए आपको, और इसको आप जो है शॉर्ट में इसको काट सकते हैं 2 से 17/30 हो गया, 13/13, और यू कैन से 17:13, ये आपका न्यू रेशियो निकल कर आया। तो ये आपका यहाँ पर जो है न्यू रेशियो निकल कर आया और गेनिंग रेशियो ये निकल कर आया। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला मेथड था कि जब क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की शेयर दिए गए थे तो ऐसे में जो भी पार्टनर रिटायर होता था उसका जो शेयर था वो रिमेनिंग पार्टनर्स उसी रेशियो में ले लेते थे जो रेशियो उनका होता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा कि ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों का शेयर दिया है 5:4:3, और जो सी है वो रिटायरिंग पार्टनर है और उसका शेयर ए और बी ने 3:2 में परचेज कर लिया, तो जो भी सी का शेयर है उसको 3:2 में डिवाइड करके
उसको ए और बी के शेयर में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो नया रेशियो होगा। तो यहाँ पर हमारा 17:13 न्यू रेशियो है और गेनिंग रेशियो 9:6 है। तो ये अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये हो गया आपका एग्जाम्पल सेकेंड। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बुक में, वो आप जो है अपने आप ट्राई करेंगे, यू ट्राई योर सेल्फ। इसके बाद आती है हमारी बात गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है, जब भी कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स द्वारा ले लिया जाता है, और जिस रेशियो में वो उनका शेयर इंक्रीज होता है उस रेशियो को हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है उसमें आ सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है हमारा वो है न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, ये होता है फार्मूला हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पहला क्वेश्चन, उसके अंदर ही आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो। तो आप बता सकते हैं कि गेनिंग रेशियो क्या है। गेनिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जब भी कोई पार्टनर्स फर्म के अंदर से रिटायर होकर जाता है या उसकी डेथ होती है तो उसका शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर द्वारा जो है ले लिया जाता है, और जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर इंक्रीज होता है उस रेशियो को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। और गेनिंग रेशियो जो है ये रिमेनिंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में गुडविल रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को देखते हैं, इसलिए इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये रेशियो जो है आपको निकालना होता है, अभी जैसे पहला मेथड मैंने बताया कि सपोज करो, एग्जांपल इसका छोटा सा मैं दे देता हूँ, सपोज करो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, इनका रेशियो 5:3:2, 5:10, 3:10, 2:10, ये तीन पार्टनर हैं, कोई भी रेशियो ले सकते हैं आप। सपोज करो यहाँ पर ए की डेथ हो जाती है या ए रिटायर हो जाता है, मान लो सपोज करो ए रिटायर्स, तो आप न्यू रेशियो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर ए पे उंगली रख लेंगे, बी का 3 और सी का 2, तो ये न्यू रेशियो हो गया। इस केस में ये न्यू रेशियो भी होगा और गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, क्योंकि जो ए रिटायर हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया कि बी ने कितना हिस्सा लिया उसका, सी ने कितना हिस्सा लिया उसका। तो हम ये मान के चलेंगे कि बी और सी ने जो उनका पुराना रेशियो था उसी रेशियो में ए का शेयर ले लिया, तो दिस इज न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो आल्सो। इसके बाद और एग्जांपल मैं लेता हूँ। ये एग्जांपल क्या कहता है कि जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, सपोज करो ए बी और सी का रेशियो दिया है 5:3:2, 5:10, 5:10 और सी का दे दिया 2:10। इस केस में ए रिटायर होता है, मान लो सपोज ए रिटायर्स इन दिस केस एंड द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 1:1। तो यहां पर देखिए आपने ओल्ड रेशियो देखा, देख लिया कितना है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो देख लिया बी और सी का क्या है। तो इस केस में ये हाफ हाफ हो गया इनका। तो इस केस में गेनिंग रेशियो अगर निकालना है तो बी का जो रेशियो है वो देखिए कितना है, बी का रेशियो है 1:2, 1:2:1:2 बी और सी का रेशियो। यहां पर अब आप जो है थोड़ा सा देख लें इसको, बीज गेन
न्यू रेशियो तो दिया हुआ है आपको, 1/2 माइनस ये न्यू रेशियो है किसका, बी का न्यू रेशियो ऑफ बी। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/10। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे सीधा सा, इसका एलसीएम ले लिया 10 आ गया, 2 5 10, 5 3 2/10, ठीक है। ये देखिए इसका, ये इसका गेन आ गया। इसी तरह आप जो है सी का निकाल सकते हैं, सी इज गेन, सी का न्यू रेशियो है 1/2, ठीक है, सी का रेशियो है न्यू 1:2, ओल्ड रेशियो है 2/10। इसमें से 1/2 में से माइनस कर देंगे 2/10 को, एलसीएम आ गया 10। तो 2 5 10 माइनस 2 3/10। तो ये जो 2/10 और 3/10 आया, ये केनिंग रेशियो है ए और बी का, इसको हम लिखे देंगे ए इस टू बी का जो रेशियो है 2/10 इस टू 3/10, इसका नाम दे देंगे हम गेनिंग रेशियो। इस रेशियो में ही अब ए और बी, सॉरी बी और सी जो है गुडविल देंगे, किसको देंगे बी और सी गुडविल, बी और सी गुडविल देंगे ए को, तो ये गेनिंग रेशियो आपका निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये है आपका गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ए और बी सी का, ए बी और सी का रेशियो दिया गया था आपको 5:3:2, इसके बाद आपको न्यू रेशियो बता दिया क्वेश्चन में 1:1, और यू कैन से 1/2:1/2। अब आपने क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना है, न्यू रेशियो सॉरी दिया गया है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये गेनिंग रेशियो आपने निकालना है। तो यहाँ पर बी का गेन निकाला आपने और सी का गेन निकाला, बी का नया रेशियो है 1/2 और इसका ओल्ड रेशियो है 3/10, 1/2 में से 3/10 को माइनस कर देंगे तो 5 3/10 2/10 आ गया बी का गेन, सी का नया रेशियो है 1/2, 1/2 में से माइनस 2/10 लेस कर दिया, तो ये आपका निकल कर आ गया 5 2/10 3/10, तो इसको हम गेनिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, तो दो तरह से रेशियो आपके गेनिंग रेशियो निकलते हैं बता दिया मैंने आपको। फर्स्ट केस ये बताया जब क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है खाली, नए रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ऐसी केस में ओल्ड रेशियो ही जो है गेनिंग रेशियो हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आइए आप नेक्स्ट, ये आपका है अगला पॉइंट, हम शुरू करते हैं स्पोर्ट्स, ये तो हो गया कंप्लीट, इसके बाद हम शुरू करते हैं गेनिंग रेशियो के बारे में बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ देखा होगा, तो इम्पोर्टेंट है सैक्रिफाइस रेशियो वर्सेस गेनिंग रेशियो। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, नंबर एक लिख सकते हैं मीनिंग का, मीनिंग ये कब निकलता है सैक्रिफाइस रेशियो, जब कोई एडमिट होता है फर्म में, और गेनिंग रेशियो जब निकलता है कि जब कोई रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है, और इसमें सेक्रीफाइस में ओल्ड पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं उनके शेयर में कमी आ जाती है और इसमें इंक्रीज होता है। सेकंड है कब निकालते हैं हम इनको, व्हेन कैलकुलेटेड, बता दिया है मैंने, ये एडमिशन के टाइम निकलता है और ये रिटायरिंग के टाइम निकलता है, रिटायरमेंट के टाइम। इसके बाद इनका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप डिफरेंस में, फॉर्मूला मैंने बताया आपको सैक्रिफाइस का है ओल्ड
रेशो माइनस न्यू रेशो, और इसका गेनिंग रेशो का उल्टा है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये फर्क है इसमें दोनों में। उसके बाद है क्या पर्पज है इसका, ये भी आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। पर्पज क्या है कि जो यहाँ पर एडमिशन ले रहा है पार्टनर, उससे हमें गुडविल लेनी होती है इसमें, और यहाँ पे जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, सपोज करो रिटायरिंग पार्टनर सी है, तो सी को कितनी गुडविल मिलेगी, कौन देगा उसको, ए और बी जो गुडविल देंगे न्यू गेनिंग रेशो में। ठीक है, ये गेनिंग रेशो का है और ये है सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, ये फार्मूले हैं दोनों के, ये इम्पोर्टेंट है, अब इनको ध्यान से पढ़ना, ये पर्पज होता है इनका। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, उसके बारे में बात करते हैं हम, कि जो गुडविल होती है हमारी, वो गुडविल किसको मिलती है रिटायरमेंट पे और कौन देता है, यहाँ पर ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसके बारे में बात करेंगे हम। जो गुडविल की बात करते हैं हम, वो देखिए इसमें यहाँ पर पहले आपको वैल्यूएशन सीखना है गुडविल का, वो आपने पिछले चैप्टर में सीखा, एवरेज कैपिटल मेथड, एवरेज मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर जो हम गुडविल की बात करते हैं, तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का बड़ा इम्पोर्टेंस है। जो भी पार्टनर हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर, जिनको हम बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर, उनको हम डेबिट कर देंगे। और कौन से रेशियो में करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये गेनिंग रेशियो में करने हैं आपने। इनको किस में डेबिट करना है, गेनिंग रेशियो में डेबिट करना है, ये ध्यान रखना है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिसीज्ड पार्टनर है, उसको आपने क्रेडिट करना है। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपने जो शेयर है उसका, शेयर ऑफ गुडविल, वो आप निकाल लेंगे, जो भी उसका शेयर है। वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इतनी गुडविल, या आप वैल्यूएशन निकाल लेंगे, जो भी शेयर उसका होगा वो दे देंगे। तो ये एंट्री बड़ी इम्पोर्टेंट है, कैसे करनी है, इसको बोल सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यू कैन से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में, देने किसको है, रिटायरिंग पार्टनर को। तो ये ध्यान आपने रखना है, ये आपकी एंट्री है गुडविल की, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है फर्म से। ठीक है, अब हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज एग्जांपल है हमारे यहाँ पर ए बी सी हैं, उनका जो रेशियो है वो 7:5:4 है, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4, सी रिटायर्स, कौन रिटायर होते हैं यहाँ पे, सी रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड फॉर दिस पर्पज 80,000, ये गुडविल है आपकी, यहाँ पे गुडविल की बात कर रहे हैं, गुडविल जो है 80,000 है। नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज yet in the books of the firm of A and B, पहले कोई भी जो हमारी जो गुडविल है ना, ये A और B की बुक्स में will share future profits equally, ये कहता है कि जो P और Q की बुक्स होंगी A और B की बुक्स होंगी after retirement, उसके अंदर गुडविल आपने नहीं दिखानी है, और A और B जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स को बांटेंगे
वो इक्वल बांटेंगे, 1/2 एंड 1/2 इक्वली। इसके लिए आपने एंट्री करनी है पास जनरल एंट्रीज फॉर दी गुडविल, ये एंट्री करनी है आपने इसके लिए। ये क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द जनरल एंट्री। तो अभी मैंने बताया था आपको कि भाई यहाँ पर पहले ओल्ड रेशो देखो क्या है, 7:5:4, 7 और 5 12 और 4 16, ये इनका डिनोमिनेटर आ गया। और ये आपका कौन सा रेशो है, ओल्ड रेशो है, और ये कौन सा रेशो है, न्यू रेशो है। तो हम पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं, इसमें एक तो ए है और एक बी है, इन दोनों का पहले हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। गेनिंग रेशो निकालने के लिए यहाँ पहले हम फार्मूला लिखते हैं, व्हाट इज गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो बराबर है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आपका रेशो हमने निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए की, एज गेन, ए का न्यू रेशियो है 1/2 और ए का जो ओल्ड रेशियो है वो है 7/16। इसका आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम आया 16, 28 जा 16 माइनस 16 और ये 7 1/16, ये इसका गेनिंग रेशियो निकल कर आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे बी की, बी का गेन कितना निकल के आया, बी का न्यू शेयर है 1/2, ओल्ड शेयर है 5/16, दोनों का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 16, 28 जा 16 माइनस 5 3/16, ये बी का गेन आ गया। अब हम बात कर रहे थे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो कौन है, सी है, तो जो सी का शेयर है वो कितना बनता है गुडविल का, तो ये देखिए सी का शेयर मैं निकाल रहा हूँ, सी शेयर ऑफ गुडविल, जो फर्म की गुडविल है वो है 80,000, उसमें सी का शेयर है 4/16, आप कह सकते हैं इसको 16 5 जा 85 4 जा 20 20,000 आए। ये जो 20,000 है ये सी का शेयर है, और क्योंकि सी रिटायर हो गया अब ये अपने घर चला जाएगा और फर्म को कौन संभाल लेंगे, ए और बी, ए और बी का जो गेनिंग रेशियो है वो है 1:3, ये रेशियो निकल कर आया यहाँ पर, ए और सी का गेनिंग रेशियो ये निकल कर आया। सी को कौन देंगे गुडविल, ए और बी देंगे, कितने रेशियो में देंगे, 1:3 में देंगे। कारण क्या है कि सी तो फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है, और आगे जो रिमेनिंग पार्टनर बचे वो बचे हमारे बी और ए और बी बचे। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए और बी, सी है रिटायरिंग पार्टनर, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को तो गेनिंग रेशियो में हम डेबिट करेंगे, जैसा कि हमने एंट्री में बताया था कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, एंड टू रिटायरिंग पार्टनर्स ऑफ कैपिटल। तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं ज़रा, ये देखिए ये और ये आपकी सारे चैप्टर के अंदर जो भी सम होंगे इस तरह के उसमें ये एंट्री काम में आएगी। कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब जो बाकी के बचे हैं रिमेनिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर होकर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर एंट्री बना देता हूँ कौन कौन बचे, ए और बी, तो एंट्री कर देंगे यहाँ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। आपने सी का शेयर तो निकाला है, सी का शेयर है 20,000 अभी निकाला था आपने, और इस 20 में से 1/4 देगा ए, और इस 20 में से
थ्री अपॉन फोर देगा बी, तो 5000 इसके हो गए और 15000 इसके हो गए, ठीक है, 15000 ये देगा और सी को मिल गए 20000, ठीक है। तो ये एंट्री है हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, इसकी आप नरेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल यहाँ लिख देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स, इन गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो, इन गेनिंग रेशियो दैट इज 1:3। तो ये था आपका आज का टॉपिक जो मैंने बताया, मैंने आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ जो जो बताया, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बारे में बताया कि कैपिटल देनी होती है रिटायरिंग पार्टनर को, गुडविल देनी होती है, रिजर्व्स देने होते हैं, और उसके बाद शेयर इन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज देना होता है। फिर बताया मैंने कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है, तो इसमें आपने देख लिया पहले हम न्यू रेशियो निकालते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। आज हमने ये दो पॉइंट किए हैं, फर्स्ट न्यू रेशियो निकालना और गेनिंग रेशियो निकालना और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारे पॉइंट्स बचे हैं 3, 4, 5 और 6, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ये आगे करेंगे, रिजर्व्स में हिस्सा मिलता है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट दी जाती है या उसमें लोन में ट्रांसफर किया जाता है, और उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये आपने न्यू रेशियो निकालना सीखा था पहले मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हमारी दूसरी शीट है ये, इसमें भी आपको न्यू रेशियो निकालना सिखाया था मैंने। फिर आई थी बात गेनिंग रेशियो की, गेनिंग रेशियो सिखा दिया मैंने आपको, फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी बता दिया, क्योंकि इसमें गुडविल देते हैं किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। फिर एक डिफरेंस आया था हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, इसमें आपको बताया मैंने मीनिंग ऑफ बोथ सैक्रिफाइस और गेनिंग, कब निकाले जाते हैं ये डिफरेंस में लिखना है, फॉर्मूला क्या है इनका ये लिखना है, उसके बाद जो पर्पज क्या है इनका। फिर नेक्स्ट आया आपका पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिटेल से बता दिया मैंने, एक ही एंट्री आई अभी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, जिनको गेन होता है वो डेबिट हो जाते हैं और जो जाता है वो क्या नाम जो है क्रेडिट हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जांपल लिया था, ए बी सी तीन पार्टनर थे, गुडविल फर्म की 80,000 थी, सी रिटायर हो रहा था यहाँ से, सी रिटायर हो रहा है इस क्वेश्चन में, और रिटायरमेंट के बाद ए और बी जो है अपना हिस्सा 1:1 में डिवाइड करेंगे। तो पहले एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए हमने गेनिंग रेशियो निकाला, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और यहाँ पर जो ए का गेन है वो निकाला हमने, ए का गेन आया 1/2 - 7/16, ये रेशियो था उसका, तो 1/16। फिर बी का गेन निकाला 1/2 - 5/16, ये ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो था 3/16। तो यहाँ पर जो सी का शेयर है वो 80,000 रुपये की फर्म की गुडविल थी, उसमें 4/16 है तो 20,000 आ गया। तो ये हमारी एंट्री थी जो गुडविल के लिए हमने की है, ये एंट्री थी हमारी जो हमने गुडविल के लिए की है, ये मेन एंट्री है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, ये गेनिंग रेशियो में होती है। थैंक यू, यहाँ पे दी एंड हो गया आज का, ओके बाय। अगर पूछा